आपको मालूम ही है कि शतरंज बौद्धिकता और मनोरंजन का एक बहुत रोचक समन्वय है। तो अखिल भारतीय स्तर पर इस डाक कर्मियों के लिए इसे आयोजित करने का अवसर मिला है। हमारे यहाँ 18 सर्कल्स में से करीब 88 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और ये प्रतियोगिता विभिन्न चरणों में 4 से लेकर 9 तारीख तक हम आयोजित करेंगे। प्रथम दिवस पे तो हमारा टीम इवेंट्स के साथ इनॉग्रेशन के बाद टीम इवेंट्स हैं और 9th को हमारा इंडिविजुअल फाइनल के साथ क्लोजिंग फंक्शन होगा। इसमें सभी टीम्स को चांस दिया जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पर ऑर्बिटर्स भी, यहाँ के जो चेस सोसाइटी है उनके यहाँ से ऑर्बिटर्स भी, चीफ ऑर्बिटर हमारे साथ हैं और इस प्रतियोगिता को सुनियोजित तरीके से भली भांति आयोजित करने में हमें सहयोग दे रहे हैं। चेस एक बहुत जीवन के बहुत निकट खेल है और इसमें हम कई बार इसके बारे में अपने जीवन से भी कई भ्रांतियाँ इसके साथ जुड़ते हैं। हमारे ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, उनसे मेरा मिलना भी हुआ था और उससे लगता है कि चेस अगर हम आयोजित कर रहे हैं तो हमें भी काफ़ी कुछ सीखने का यहाँ पर मौका मिलेगा। यदि आप लोग कोई और प्रश्न पूछना चाहें तो आदरणीय और जोड़ना चाहूँगा कि हम जैसे बताया गया कि 18 जो पोस्टल सर्कल्स है, डाक परिमंडल है, उसमें से कुल 88 खिलाड़ी हमारे यहाँ भाग ले रहे हैं और इसके अलावा भी जो है वो ऑफिशियल्स भी हमारे पास में हैं जो टीम के साथ में आते, तो हमारे पास में ऐसे कुल मिला के 14 मैनेजर्स और कोचेस जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे है। साथ में अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता होने के कारण एक हमारा जो मंत्रालय है उनके पास से भी एक सेंट्रल ऑब्जर्वर आते हैं, तो उन्होंने जो नॉमिनेट करते हैं तो उनके नॉमिनेट किए जो सेंट्रल ऑब्जर्वर है वो भी हमारे इस टूर्नामेंट को पूरा ऑब्जर्व करेंगे, अपनी रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय में भेजेंगे। इसके साथ में एक मंत्रालय हमें एक टेक्निकल डेलीगेट भी देता है कि उसका एक अपना इस शतरंज के इस खेल में उसका एक अपना ज्ञान होता है, अपना एक नॉलेज होता है, तो उसका ही जो है पूरा उपयोग यहाँ करेंगे, तो वो भी जो नॉमिनेशन होता है वो मंत्रालय से आता है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो जो लोग हैं जो मंत्रालय द्वारा नामित किए गए हैं वो भी हमारे बीच इस टूर्नामेंट में पूरे रहेंगे। 4 और 5 तारीख को ये जो है इस प्रतियोगिता का टीम इवेंट्स होंगे और फिर 6 तारीख से 9 तारीख तक इसका एक एकल प्रतियोगिता इंडिविजुअल जो टूर्नामेंट है वो आगे जारी रहेगा। इसमें मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा कि कुछ जो मैं बता रहा था कि 88 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, उसमें लगभग हमारे पास में 30 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल मास्टर्स के रेटिंग वाले खिलाड़ी हैं और जिसमें से 3-4 का जो रेटिंग है हमारे पास में कुछ तमिलनाडु के 2 खिलाड़ी भी ऐसे हैं कि जिनके काफ़ी तीनों नॉर्म्स पूरे हो चुके हैं और उसके साथ में अगर कुछ और उनकी टूर्नामेंट चलती रहेगी तो उनको इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर का जो नॉर्म है वो भी मुझे लगता है काफ़ी जल्दी ही इन दोनों खिलाड़ियों को मिल सकता है। इसके साथ में मैं और कुछ ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो नेशनल लेवल का ओपन नेशनल में जो एमेच्योर 2 मंथ टूर्नामेंट हुआ था ओपन नेशनल में, उसमें एमेच्योर की जो गोल्ड मेडल जीता है वो हमारे ही बीच के हैं जो राजस्थान सर्कल से हमारे बीच में आए, श्री शेर सिंह जी। तो ये शेर सिंह भी आपका, इनका भी खेल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो जो एमेच्योर के जो राष्ट्रीय खिलाड़ी है, विजेता है, वो भी हमारे बीच इसमें 4 से 9 के बीच में उपस्थित रहेंगे। तो ये एक जो प्रतियोगिता में अखिल भारतीय डाक शतरंज प्रतियोगिता जो होने वाली उसका एक जो संक्षिप्त में विवरण जो है मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर जो प्रतियोगिता हो रही है उसको देख कर थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञानवर्धन करें अपना। कार्यक्रम जरिए स्वच्छ भारत अभियान का भी प्रचार प्रसार आप लोग करने वाले हैं, किस तरह से होगा? इसमें जो है ये एक केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो है इसको काफ़ी आगे बढ़ाया है। तो हमने ये कोशिश की है कि जितने दिन भी हमारी ये प्रतियोगिता होगी यहाँ पे 4 से 9 के बीच में, उस समय हम ये देखेंगे कि हम पूरी स्वच्छता यहाँ पे करेंगे कि हम देखेंगे कि स्वच्छता से ही हमारा खेल जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो जितने भी 4 से 9 ये जो हमारा अखिल भारतीय डाक शतरंज प्रतियोगिता होने वाली है इसमें हम पूरा ध्यान रखेंगे
कि जो भी स्वच्छता हमें रखनी है उस तरह से हम पूरा वो कोशिश करेंगे। तो ये भी हम एक आप लोगों के जरिए से हम लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि सिर्फ ये डाक क्षेत्र में प्रतियोगिता ही नहीं है, इसके साथ साथ में जो है एक स्वच्छ भारत का जो मिशन है हमारा वो भी आगे बढ़ता रहेगा।